वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। एनपीएस और ओपीएस पर नया अपडेट, वित्त विभाग ने जारी किया एक सर्कुलर, मिलेगा लाभ। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 और या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, उन्हें आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता दी गई है। तो क्या अपडेट है, लगातार बने रहिए, फुल अपडेट हम देंगे आपको हमारे चैनल में। पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। पुरानी पेंशन योजना बंद होगी या जारी हो रहेगी, ये सवालों के बीच राज्य की भजन लाल सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों को राहत देने की बात कही गई है। इसमें फिलहाल देखेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जारी रखने के संकेत दिए गए हैं जिसमें, और यहां पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में जो है कहा गया है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस के जो है राहत तहत जो है पैसा निकाल लिया है, उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। जो कि कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था और उसे हरित की गई राशि जमा कराने की कोशिश जो है शिथिलता जो दी गई थी, यानी कि अब उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन किया जाएगा। और आदेश में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए जो है आवेदन किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा तथा उन्हें जो है पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। पिछली जो बात करें तो गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस की जगह ओपीएस देने का सिस्टम लागू किया था, जिसके बाद जो है कर्मचारियों से एनपीएस कटौती बंद हो गई थी। बता दें कि एनपीएस में कर्मी का जो है 10% पैसा कटता था और उतना ही सरकार जमा करवाती थी। और सत्ता परिवर्तन के बाद खबर आई थी कि ओपीएस बंद हो सकती है, लेकिन इसी बीच अब जो है वित्त विभाग ने एक जो है नया सर्कुलर जारी किया है जो कि प्रदेश में ओपीएस लागू रखने का जो है बड़ा संकेत माना जा रहा है। ओपीएस की मुख्य प्रमुख बातें क्या हैं, तो ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की जो है आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाएगी। ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़ कर के मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के लिए पेंशन दिया जाना भी ओपीएस में शामिल है। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6000 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाता है। पेंशन का कमीशन के लागू होने पर पेंशन डिवाइस जो था रिवाइज, ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाता है। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का फायदा भी रिटायरमेंट कर्मी को मिलता है। ओपीएस में कर्मी के रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। एनपीएस की प्रमुख बातें क्या हैं, तो एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम
सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का जो है 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुएटी का कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। और जो देखेंगे कि नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है, सेवानिवृत्त के बाद निश्चित होता है। पेंशन की गारंटी नहीं होती है और एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। एनपीएस के में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। और नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो है जो भी पैसा मिलेगा उसको उस पर जो है टैक्स देना होगा। तो इस तरह के अपडेट से सेटिस्फाइड हैं तो ज़रूर वीडियो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।